का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की एडमिशन 2022 और 23 के टर्म्स में। यहाँ कंबाइंड पैरा मेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका है 2022 और 23 में, आप सभी लोग जानते हैं चॉइस लॉक कर चुके हैं। आप सभी का जो है चॉइस लॉक हो चुका है और चॉइस लॉक होने के बाद अब आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं अलॉटमेंट लेटर का। और उसी के साथ साथ दो यहाँ पर बड़ी अपडेट आपके सामने, आज चॉइस लॉक की डेट ख़त्म होने के बाद आपके पास दो अपडेट और दे दी गई हैं, दो नोटिफिकेशन दे दिए गए हैं। प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया है तो आवश्यक प्रमाण पत्र और काउंसलिंग में सीमित संशोधित सीटों का विवरण, ये दो अपडेट बड़ी आई हैं। तो इन दोनों अपडेट को देख लेते हैं। आप जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ चॉइस फिलिंग जो आपको करनी थी, वो चॉइस फिलिंग आप सभी लोगों ने 4 नवंबर 2022 तक यानी रात्रि 10:30 बजे तक कर ली है। उसके बाद आप आज अगर वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इस तरीके के 6 नंबर और 7 नंबर पर दो आपको बड़ी अपडेट मिल जाती हैं। तो इन अपडेट्स में आप देखिए, पहली अपडेट अगर हम काउंसलिंग संशोधित डाटा को लेकर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो डाटा है, ये 2/11/2022 का डाटा है, जल्दी का डाटा है, आप सभी देख सकते हैं। संयुक्त पैरामेडिकल 2022 और प्रथम काउंसलिंग के लिए जो है यहाँ पर बताया गया है, प्रथम काउंसलिंग सूचना के लिए दिया गया है कि 28 अक्टूबर 2022 को एक स्थायी मेरिट सूची जारी किया गया था और मेरिट सूची जारी करने के पश्चात निम्नलिखित विवरण निम्नानुसार हैं जो प्रथम काउंसलिंग के आयोजन में किया जाएगा। और ये वेबसाइट का नाम दिया गया, यहाँ पर शुल्क जमा करना था और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताया गया। कहा गया कि जो CMD रैंक है आपकी वो 1 से लेके 16,108 रैंक तक आप जो है इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये चीज़ हम पहले भी आपको बता चुके हैं, सभी श्रेणी या उप श्रेणी के अभ्यर्थी हैं। ये अगर हमारे लगातार आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन हम पहले दे चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपलोड आज किया है। अब इन्होंने यहाँ तो 2012 दिखा रहे हैं 12 बजे तक, लेकिन ये 10 बजे तक है। अब सीट आवंटन का जो लेटर है वो आप सभी को हम पहले ही बता चुके हैं कि 8/11/2022 को जो है ये जारी किया जाएगा रिज़ल्ट इसका, और इस रिज़ल्ट को जारी करने के बाद ही चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर फीस के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। फीस आप देख सकते हैं कि जो 24,000 और अन्य पैरामेडिकल के लिए 24,000 है जो शासकीय हैं, यानी जो गवर्नमेंट के हैं उनके लिए जो है ये फीस निर्धारित की गई है, यानी 24,000 रुपये प्रतिवर्ष किसी का भी करिए आप। और यहाँ आप देखेंगे जो है डिप्लोमा के लिए है उसमें जो है निजी प्रशिक्षण केंद्र शुल्क के लिए है जो है 45,000 रुपये आपको देनी पड़ेगी यहाँ पर, और बाकी सभी के लिए ट्यूशन फीस जो है वह 24,000 ही यहाँ पर दे दी गई है। KGMU की जो है जो इन्फॉर्मेशन है KGMU के लिए आपको उन्हीं की वेबसाइट से पता करना होगा, वो हम बता देते हैं। वो करीब 43,000 कुछ प्लस फीस ये होती है करीब KGMU की, 43,000 जो है KGMU की करीब फीस है 1 ईयर की। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देखा। बाकी सीटों का आवंटन तो आप सभी लोग जानते हैं, उस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, उसको करने की ज़रूरत नहीं। तो कुछ नई चीज़ें थी वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आ जाते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं आप प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश प्रक्रिया है तो आवश्यक प्रमाण पत्र यहाँ इन्होंने जारी कर दिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स के आपके पास हैं, अगर हैं तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक एक चीज़ को आप देख लीजिए, सारी चीज़ें टिक हैं या मिलाते चलिए अपनी अपनी। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो आपने भरा वो होना चाहिए, दूसरा आवंटन पत्र यानी अभी जो जारी होगा 8 तारीख को, ये 8 तारीख को आज जारी होगा, तो ये 8 तारीख को जो जारी होगा उसकी बात कही जा रही है। निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क की बात की गई, तो यानी जो आपको 24,000 या जो है 45,000 या जो के GMU की है वो। हाई स्कूल और का अंक पत्र और प्रमाण पत्र आप सभी लोग जानते हैं UP बोर्ड में एक ही में होता है तो उसकी ज़रूरत, एक ही पेज है वो, और कुछ में अलग अलग होता है तो वो अलग अलग सब बोर्ड्स पर निर्भर करता है। फिर वही चीज़ इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट में विज्ञान वर्ग के ही लोग भरते हैं इसमें, चाहे भौतिकी यानी PCB या PCM दो तरीके के हो सकते हैं, या तो PCB होगा या PCM होगा, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो PCBM भी होंगे।
तो ये लोग हैं, अगर इस तीनों कैटेगरी में कोई भी एक है तो आप उसे फॉर्म को भर सकते हैं। जात प्रमाण पत्र है यदि लागू है तो जात प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, छठा ये है। फिर आर्थिक रूप से EWS वाला है तो ये भी, और अन्य जो है अगर कोई कैटेगरी का है तो वो आधार कार्ड, और उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जो है जैसे करेक्टर है तो वो चरित्र प्रमाण पत्र आपका, और 10 रुपये का एक स्टाम्प पेपर आपको बनाना होगा। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी होगी, इतनी चीज़ें लिखी होंगी आपके शपथ पत्र पर और आपका साइन होगा। ये 10 रुपये का जो है स्टाम्प पेपर होगा, 10 रुपये के स्टाम्प पर पे घोषणा देना होगा, घोषणा पत्र देना होगा, जो कि ये सारी चीज़ें उस पर लिखी हुई होंगी। तो उम्मीद करते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर यदि आपके पास हैं तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। 1 साल से पुराना जो है जाति प्रमाण पत्र ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, उससे पुराना होगा तो दिक्कतें आपकी हो सकती हैं। 1 साल, 1 साल से ज़्यादा पुराना जो है पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ 2 चीज़ों के लिए, एक OBC कैंडिडेट के लिए और एक EWS वालों के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। SC ST के लिए ये बाउंडेशन नहीं होती, ये सिर्फ इन्हीं 2 कैटेगरी के लिए बाउंडेशन होती है। SC ST के लिए इस समय की बाध्यता प्रमाण पत्र में नहीं होती। क्लियर, आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं दोनों अपडेट्स हैं, बड़ी अपडेट है, आप मिला लीजिए, फाइल बना लीजिए, आज जेरोक्स करके रख लीजिए क्योंकि ये आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।